हिमाचल की 40 दवाओं के सैंपल फेल होने से हेल्थ मिनिस्टर के अनुसार खराब हुई प्रदेश की छवि। हेल्थ मिनिस्टर बोले, सभी फार्मा इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी करने के बाद की जा रही है आगामी कार्यवाही। बद्दी पर रोटी वाला कालाम व पोटा आदि की फार्मा कंपनीज के सैंपल CDSCO के मानकों पर हुए फेल। देश भर में सब स्टैंडर्ड की पाई गई 78 मेडिसिन में से 50% से ज्यादा व 40 हिमाचल से संबंधित। खांसी, बुखार, गैस्ट्रिक, BP व दमा जैसी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। निर्धारित मानकों पर खरी न उतरने वाली हिमाचल की 40 दवाएं। महीने भर से ड्रग कंट्रोलर का पद खाली होने के सवाल पर मंत्री बोले, अभी डिप्टी ड्रग कंट्रोलर देख रहे हैं उनसे संबंधित काम। डॉक्टर का NPA बंद किए जाने के मामले में बोले, पिछले साल आई बाढ़ की आपदा के चलते कुछ समय के लिए रोका गया है NPA। हिमाचल में बनने वाली 40 दवाओं के सैंपल फेल होने को स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि इससे देश विदेश में प्रदेश की छवि भी खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनीज के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और ऐसे मामलों में विभाग आमतौर पर लाइसेंस भी रद्द करता है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा भारत के कुल 1008 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 78 ड्रग अथवा मेडिसिन सब स्टैंडर्ड की पाई गई और अब इनके स्टॉक को मार्केट अथवा दुकानों से भी वापस लिया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि देश भर में फेल हुए 78 सैंपल में से 50% से ज्यादा अथवा 40 छोटे से राज्य हिमाचल से ही संबंधित है। इसका एक कारण प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्रीज काफी संख्या में होना भी बताया जा रहा है। और सोलन जिला के बद्दी बरोटी वाला, सिरमौर के पांवटा व कालाम तथा कांगड़ा व सोलन के आसपास के दवा उद्योगों को लगाकर कुल 25 कंपनी के सैंपल फेल हुए हैं। सब स्टैंडर्ड की पाई गई दवाएं खांसी, दमा, BP, बुखार व गैस्ट्रिक से संबंधित बताई जा रही है और प्रदेश की कुछ एंटीबायोटिक ड्रग के भी सैंपल फेल हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर का पद खाली होने के चलते डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर द्वारा कल इस बारे आधिकारिक जानकारी दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने ड्रग कंट्रोलर का पद खाली होने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि फिलहाल नंबर 2 अथवा डिप्टी ड्रग कंट्रोलर उनका कार्यभार देख रहे हैं और माहौल को देखते हुए जल्द इस पद को भरा जाएगा। प्रदेश में डॉक्टर्स का NPA बंद किए जाने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले साल सूबे में बाढ़ से हुए भारी नुकसान को देखते हुए कुछ समय के लिए फिलहाल NPA को रोका गया है। सोशल मीडिया पर चर्चे इस बात के भी है कि सूबे में पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 1000 से ज्यादा संस्थान व विधायक निधि बंद किए जाने के लिए भी CM सुखविंदर सुक्खू और उनके कुछ मंत्री इससे पहले भी आर्थिक हालात खराब होने व भारी बारिश से नुकसान का एक्सक्यूज दे चुके हैं। बहरहाल देवभूमि हिमाचल की 25 फार्मा कंपनीज के 40 सैंपल फेल होना सरकार व इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए चिंता का विषय है और इससे जहां प्रदेश की छवि खराब हुई वहीं मरीजों के लिए भी ऐसी दवाई खतरे से खाली नहीं है। अलर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन 23rd of January, जिसमें कि कहा गया है कि बहुत से सैंपल्स जो दवाइयों के हैं वो हिमाचल से संबंधित हैं और वो मानकों के अनुसार ठीक नहीं पाए गए हैं एज पर द गिवन स्टैंडर्ड। 38 सैंपल डिक्लेयर्ड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और वो का बिलोंग करते हैं जो हमारी 25 फर्म लाइसेंस्ड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और 2 सैंपल ऐसे डिक्लेयर जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो एक ऐसी फर्म है जो FSSAI मतलब फूड लाइसेंस के नीचे नहीं आती है, और इन सब को शो कॉज नोटिस अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ रिकॉल ऑफ ड्रग्स इन क्वेश्चन आर बीइंग इंश्योर्ड टू ऑल द डिफॉल्टिंग फर्म। एंड मैं इतना बता दूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये बात सही है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में कोई ड्रग फेल हो तो उसमें प्रदेश के नाम पर भी सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं कि क्या हमारे इतनी लोगों की इस प्रकार से अलाउ किया जा रहा है। तो हम इसको एक स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर जिसे बोलते हैं SOP बनाएंगे और उस SOP के आधार पर ही प्रोक्योरमेंट होगी ताकि किसी प्रकार का किसी के मन में शंका रही ना, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक जो जिसके टेम्पल फेल हुए हैं उन पे नोटिस तो चले गए हैं परंतु उसके बाद इस पर बहुत नज़दीक से कार्रवाई होगी कि वो दोबारा उस मैन्युफैक्चर में आए ही ना। अभी कोई चीज़ अगर वो ठीक स्टैंडर्ड पे नहीं मिलती किसी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तो उस पर हमारी विश्वसनीयता सवाल उठना स्वाभाविक है। बट मैं कार्रवाई क्या कर रहे हैं बिल्कुल कार्रवाई की जा रही ड्रग और आई टोल्ड यू के
बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लास्ट टाइम आई हैड शेयर्ड दैट लिस्ट, कि जो जिनको हम इस प्रकार का जो पाया जाता है उनको हम मैन्युफैक्चर की लिस्ट में, मैन्युफैक्चर की कतार में रखते ही नहीं. दे विल नॉट बी इन दैट, दे विल बी टोटली टोल्ड टू मूव आउट ऑफ हिमाचल ओनली. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बिल्कुल लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं. सर, सवाल सरकार की इंटेंशन के ऊपर उठ रहा है. एक महीने के करीब हो गया ड्रग कंट्रोलर को रिटायर हुए, अभी तक ड्रग कंट्रोलर क्यों नहीं भरे गए? वो ये ठीक बात है कि किसी भी सॉर्ट ऑफ पोस्ट में ज़्यादा देर तक किसी को रखना नहीं चाहिए. ये भी चूंकि ड्रग कंट्रोलर का जो पद है, हाँ, लेकिन ये है कि जो उनसे नंबर टू होते हैं, इसी इस सब जगह का नियम है, तो हम पूरे सेना का भी और सभी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि जब तक हम बहुत सी चीज़ों पर विचार होता है, जब किसी भी रिस्पॉन्सिबल पॉइंट को देना है तो उसमें विचार विनिमय लग जाता. आप जानते हैं कि बहुत प्रकार से कामों में भी व्यस्त रह सकती है सरकार, और जो उनसे नंबर टू हैं उनके पास इसका कार्यभार दे दिया गया है.